Assalamualaikum everyone, hello, welcome to my channel, this is Tuba. So अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए और अगर आपको मैं और वीडियो देखनी है तो बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ आज का वीडियो। तो आज मैं बनाने लगी थी मेरी और इनफैक्ट नॉट मेरी, सभी की फेवरेट डिश शीश। नॉर्मली तो ईद में या बकरीद में बनती है, तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं बनाऊं शीर। काफ़ी दिनों से मेरा मन कर रहा था, तो मैंने आज फाइनली सोचा कि मैंने सामान ले आई थी शीर का, तो मैं बना ही दिया मैंने। हम ज़्यादा क्वान्टिटी में शीर में तो सिर्फ ईद में ही बनाती है, वो मम्मी बनाती हैं। तो हम नॉर्मल डेज में हम कभी कभी होता है तो हम थोड़ी थोड़ी से बना ही लेते हैं शीर, जैसे कभी भी बन गया या कोई मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं तो बना लेते हैं। इस छोटे से पतीले में मैंने 1 लीटर दूध डाला बॉयल के लिए, तो वो बॉयल हो गया। तो फिर उसको, इस दूध जब डालते हैं तो इसको जब तक बॉयल नहीं हो जाता है तो उसको चलाते रहते हैं, वरना क्या होता है कि ये दूध नीचे से लगने लगता है और फिर जब शीर हम बनाते हैं तो वो नीचे से लपटने लगती है, तो इसलिए इसको कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं जब तक कि दूध पूरा अच्छे से बॉयल ना हो जाए। तो फिर और साइड में मैंने इसको जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको मैंने एक छोटी सी कटोरी में पानी में सोक करके रखा था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और ये है मिल्क मेड हमारा, और ये थोड़े से मखाने, ये मेरे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ये मैंने काटे थे, और ये सेवई। ये इस बार हमने जो शीर है ना, हम इसे नॉर्मली मोटी सेवई बनाते हैं, और जो इसकी मामी होती है वो पतली सेवई की बनती है। तो इसमें अगर मोटी पतली को जाले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि वहाँ भी बनती है उसमें पतली से वही बनती है। तो इसमें मैंने डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स, और फिर इसमें मैंने चीनी नहीं डाली क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें कंडेंस मिल्क डाल दी हूँ, जो कि वो बहुत ही मीठा होता है, तो चीनी इसमें मैंने नहीं डाली, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और जब मम्मी अगर लार्ज क्वान्टिटी में बनाती है तो फिर वो चीनी डाल देती है, वरना सिर्फ कंडेंस मिल्क ही मैं डालती हूँ। तो इसमें मैंने मखाने डाल दिए हैं, मखाने थोड़ी थिकनेस बढ़ाने के लिए डलते हैं, और अगर आप कंडेंस मिल्क अगर स्किप कर सकते हैं तो कुछ लोग इसमें बर्फी भी डाल देते हैं या मलाई, जो कि उसे थोड़ा सा भून भून के डालते हैं। बट ये कंडेंस मिल्क यहाँ मैंने डाला है, हाफ कंडेंस मिल्क डाला था मैंने, अच्छी सी मीठी सी हुई थी ये, और इसको कंटिन्यूसली चलाते चलाते रहना है। और भी मैंने इसमें ये सेवई डाल दी। सेवई की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देख के डालनी पड़ती है कि ज़रा सा भी अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो बस इसको अच्छा सा बॉयल आने दें, और ये बहुत जल्दी तैयार होती है, ज़्यादा इसको चलाना वाला नहीं पड़ता है। 10 मिनट्स तक के बस इसे और अच्छे से पकने दें, 5 to 10 मिनट्स, और इसे अच्छे से चला देते रहे तो ये बिल्कुल सही आती है। और लास्ट में जब आप गैस बंद कर दें, वो बिल्कुल तैयार हो जाए, तब ये केवड़ा डाल दें। ये वाला मेरी मम्मा ये यूज़ करती है, इसकी काफ़ी केवड़े से काफ़ी अच्छी सी वो खुशबू से आ जाती है खाने में। तो यूजली मम्मी अगर कोरमा बनाती हैं या फिर कोई हलवा सेवई तो ये ज़रूर डालती हैं। और फिर ये डिश में मम्मी पलट रही थी क्योंकि बहुत गर्म थी ये, गर्म गर्म ठंडा होने के लिए। एंड इट्स रेडी। अब थोड़ा सा गार्निश करने के लिए इसे ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे थे, सारे तो डाल दिए थे बट थोड़े से मैंने बचा लिए थे कि इसको ड्राई फ्रूट गार्निश करने के लिए। और फिर ये मैं अपने लिए सेवई निकाल रही हूँ, मैं टेस्ट कर रही थी कि कैसी बनी है, और मैं फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी पूरी फैमिली को टेस्ट कराई। ये मैंने दूसरी बार से भी, मैंने एक और बार बनाई थी मैंने शीर, ये मैंने दूसरी बार बनाई है, और माशाल्लाह से इस बार भी अच्छी बनी थी। कुकिंग थोड़ी थोड़ी सीखती जा रही हूँ मैं आजकल।
तो बस ये बन गई, ये रेडी है और मैंने इसे टेस्ट करके देखा, बिल्कुल परफेक्ट थी। और फिर ये मैंने अपनी थोड़ी सी कलाकारी दिखाई है, कैनवस रखा हुआ था मैंने काफ़ी, ये कैनवस मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। तो फिर इसको मैंने मास्किंग की पहले, फिर इसके ऊपर मैंने कुछ, मैं सोचा कि पहले सोचा कि सीनरी बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं कोई पैटर्न्स बनाते हैं, तो फिर मैंने पेंसिल से पहले पैटर्न्स को ड्रॉ किए और फिर मैंने इसमें कलरिंग कर दी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शेड्स से। आर्टिस्ट कलर मैंने यूज़ किया है इसमें। पैटर्न वाली पेंटिंग करना काफ़ी ईजी है, बहुत ईजी और बहुत क्लासी भी लगती है। मैंने इसे अपने बिंदु पे, मैंने जहाँ पे पहला अपना डी आई रखा था वहाँ मैंने इसको भी कैनवस पे रख दिया। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ अपना प्यार मुझे देते रहिएगा, लाइक्स व्यू करते रहिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए अगर आप भूल गए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।